दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली में लेज़र क्या होता है और लेज़र हम कैसे बना सकते हैं। लेज़र के पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो इस ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखें और पूरी बात आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो लेज़र के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर हम टैली में किसी भी पार्टी के साथ कोई लेन देन करते हैं, तो जिस पार्टी के साथ यानी जिस पक्ष के साथ हमने लेन देन किया है, उसका नाम हमें अपने सॉफ्टवेयर में यानी टैली में सेट करना होता है, एनरोलमेंट करना होता है, उसे हम लेज़र कहते हैं, ठीक है। यानी जिस पार्टी के साथ हम लेन देन करते हैं या जिस सामान या जिस वस्तु या जिस ऑब्जेक्ट का लेन देन करते हैं, उसकी डिटेल हमें एंट्री करनी होती है, उसे हम लेज़र कहते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि ये लेज़र कैसे बनाते हैं, ये क्या होता है, इसको कैसे सेट किया जाता है। ये बड़ा ही बेसिक काम है, अगर हमें लेज़र बनाना नहीं आता तो आगे चलकर हमारी गलतियां हो सकती हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लिया कि 1/4/2020 को मैंने पेमेंट किया राकेश को 400 रुपीज़। तो जैसे कि मैंने पीछे के चैप्टर्स में बताया है कि जनरल कैसे बनाते हैं, तो इस आधार पर, अकाउंटिंग के रूल के आधार पर, राकेश को मैंने 400 रुपीज़ दिए हैं, तो राकेश अकाउंट डेबिट हो जाता है, और क्योंकि मैंने कैश दिया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखें अकाउंटिंग के रूल से, तो हमें यहाँ पर दो पक्ष प्राप्त होते हैं। पहला राकेश के नाम से, जिसको मैंने पैसा दिया है, और दूसरा कैश, जिसको जो मैंने उसे दिया है। यानी कैश मैंने दिया है तो कैश एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक रियल अकाउंट हो गया। तो ये दो लेज़र हमें बनाने होते हैं। तो सभी लेन देन में किसी भी लेन देन में दो लेज़र होते हैं कम से कम। तो लेज़र जब बनाते हैं तो टैली में हमें लेज़र के साथ साथ उसकी एक कैटेगरी भी बनानी होती है, जिसे हम अंडर कहते हैं, ठीक है। जब भी हम टैली में कोई लेज़र बनाएंगे तो हमें उसका एक कैटेगरी यानी एक ग्रुप बनाना होता है। जैसे हम अपने नाम के बाद अपनी एक जाति लगाते हैं, या हम किस धर्म के हैं, किस जाति बिरादरी के हैं, उसी प्रकार टैली में जब भी हम किसी पार्टी का नाम डालेंगे यानी जब किसी पार्टी को एनरोलमेंट करेंगे, तो उसके लेज़र के साथ साथ हमें उसका अंडर भी बताना होता है। तो लेज़र की सेटिंग कैसे करें, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने उसका अंडर क्या सेट किया है। अंडर अगर गलत लगा दिया तो आगे चल करके हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स गलत हो सकते हैं दोस्तों, और फिर हमें गलत रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है। इसलिए जब भी लेज़र बनाएं तो ध्यान रखना होगा कि हम उसका करेक्ट अंडर सेट करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बताऊँगा जिसमें आप देखेंगे कि लेज़र और उसका अंडर कैसे सेट करेंगे। इसके लिए मैं कुछ जनरल एग्जांपल्स लूँगा, कुछ चीज़ों को मैं मानूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि कब हमें क्या अंडर सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल सेट की है, आप देख सकते हैं। इस टेबल में मैंने दो पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में अगर आप पहले कॉलम में देखें तो पहले कॉलम में लेज़र है और दूसरे कॉलम में मैंने अंडर बताया है। तो ध्यान दें, जैसे कि पहला है रवि को मैंने पेमेंट किया है, तो जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ टैली में तो हमेशा उसे मैं एक्सपेंस यानी उस पर मैं खर्चा करता हूँ। तो जब भी मैं किसी को पेमेंट करूँगा तो या तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर मैं उसे सीधे सीधे पैसा दे रहा हूँ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, अगर मैं उसे किसी दूसरे के थ्रू पैसा दिलवा रहा हूँ तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो जब भी किसी को पेमेंट करेंगे तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे, जब भी किसी से कैश रिसीव करेंगे, पैसा लेंगे, तो उसे डायरेक्ट इनकम में रखा जाएगा या इनडायरेक्ट इनकम में रखा जाएगा। जब भी किसी व्यक्ति से हम परचेस करेंगे तो उसके अंडर हमेशा संडी क्रेडिटर होगा, याद रखेंगे। और जब हम किसी को सेल करेंगे तो संडी डेबिटर होगा। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी वस्तु आ गई तो उसे हम एसेट्स कहते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार फिक्स एसेट या करेंट एसेट लगा सकते हैं। कैश का लेज़र जब भी बनाएंगे दोस्तों, तो कैश इन हैंड होता है, कैश का लेज़र कभी बनाना नहीं पड़ता, ठीक है। तो आगे चल के इन सभी लेज़र्स को मैं आपको बनाना अभी बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये लेज़र कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बातें कम समझ में आ रही हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक चेक कर लें और उसे अच्छे से वॉच कर लें, तो आपको ये पूरी बातें सही ढंग से समझ में आने लगेंगी। तो मैं आपको एक वीडियो लाइव बना करके दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं लेज़र बनाना आपको टैली में दिखाऊंगा और जो जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं उन सभी के लेज़र्स मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं, जो टेबल मैं पीछे लिया था उस सभी के लेज़र्स मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ।
ये वही टेबल है जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये मैंने एक जनरल टेबल ली हुई है, अब इसी टेबल के आधार पर मैं टेली में ये लेज़र बनाना सिखाता हूँ आपको। तो टेली ओपन करते हैं हम सबसे पहले। तो टेली ओपन करने के लिए मैंने ये टेली ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया है। टेली में कैसे ओपन करेंगे, कैसे कंपनी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, इसके बारे में मैंने Chapter 1 में बता रखा है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो टेली ओपन करने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड पर मुझे जाना है। यहाँ पर आने के बाद अगर पहले से कोई कंपनी बनी हुई है तो मैं उसे शट डाउन कर दूँगा। शट करने के बाद मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके क्रिएट करने के बाद मैं कंपनी का कोई नाम रख दूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम रख दिया, या आप किसी भी नाम से कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद नेम, कंट्री का नाम बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, आप अपने स्टेट का नाम सेट कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल होती है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो मैं बता चुका हूँ, वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे और बाकी डिटेल आप भरना चाहें भर दें और एक्सेप्ट कर देंगे। तो कंपनी बनाने के बाद ही दोस्तों हम लेज़र बना सकते हैं। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पर हमें अकाउंट इन्फो नाम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अगर हम इंटर करेंगे तो यहाँ लेज़र दिखेगा। लेज़र पर जाने के बाद यहाँ पर हमें सिंगल लेज़र ऑप्शन दिखेगा, जहाँ से हम क्रिएट डिस्प्ले अल्टर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेटिंग करनी होगी, तो बैक कर लेंगे, एस्केप कर लेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर नीचे देख सकते हैं F11 बटन आपको दबानी है। ध्यान दें, सेटिंग पहले कर लेंगे तभी लेज़र बनाएंगे, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। तो F11 दबाने के बाद अकाउंटिंग फीचर ऑप्शंस में जाकर आपको सभी ऑप्शन नो कर देने हैं। ध्यान दें, जितने भी ऑप्शंस आपको यस में दिखेंगे उन सबको नो कर देना है। अब आप कहेंगे ये मैं नो क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, इन सभी बातों को धीरे धीरे समझा जा सकता है, एक साथ आप नहीं समझ सकते। तो अभी सारे ऑप्शन आपको नो कर देने हैं। जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा, उन सभी ऑप्शंस को मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो अभी आप बेसिक काम कर रहे हैं, तो सभी ऑप्शंस को आपको नो कर देने हैं जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको F12 बटन दबाकर वाउचर एंट्री ऑप्शन पर जाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको सभी ऑप्शंस नो कर देने हैं, मैंने पहले से ही नो कर रखे हैं। तो जो भी ऑप्शंस आपको जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखेंगे उन सभी को नो कर देना है। केवल एक ऑप्शन आपको यस रखना है, यूज़ CRDR इंस्टेड ऑफ 2x ड्यूरिंग एंट्री। तो ये ऑप्शन आपको CRDR यानी क्रेडिट डेबिट वाला ऑप्शन आपको यस रखना है। इसके अलावा भी आप बाकी सभी ऑप्शन चाहें तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर जब F12 ऑप्शन में यहाँ पर आप सेटिंग कर लेंगे तो यहाँ ऑटो एक्सेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, खाली सिर्फ आप यहाँ पर सेटिंग कर दें या जो भी मैंने बताया है, तो या नो जो भी सेटिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। सेटिंग करने के बाद आप अकाउंट इन्फो में जाएंगे वापस, यानी स्केप कर देंगे, और अकाउंट इन्फो जो ऑप्शन मैंने अभी बताया था वहाँ पर आप दोबारा जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप लेज़र ऑप्शन पर जाएंगे। लेज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंगल लेज़र ऑप्शन दिखेगा और मल्टीपल लेज़र ऑप्शन दिखेगा। सिंगल लेज़र या मल्टीपल लेज़र भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आज देखूँगा कि कैसे सिंगल लेज़र बनाते हैं। तो सिंगल लेज़र में आपको क्रिएट के, डिस्प्ले के और अल्टर के ये तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। तो क्रिएट कैसे करते हैं ये मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो लेज़र में आप देख सकते हैं आपके सबसे पहले नाम पूछ रहा है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में माना है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पीछे बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन मैं ये ले रहा हूँ। तो जैसे मैं रवि का लेज़र बनाना चाहता हूँ, पेमेंट रवि को किया है, जैसे कि बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो ये कैसे फिलअप करें। तो जिस नाम से है वो नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जैसे रवि के नाम से हमने जब रवि से लेन देन किया तो रवि का नाम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद अंडर में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली, अंडर में आपको टाइप नहीं करना होता है, लिस्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो मैच करा लेनी होती है, सेलेक्ट कर लेंगे जो सूटेबल होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि अगर आपको ढूंढने में लिस्ट में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप टाइप नहीं, आप कुछ नहीं सिलेक्ट करें, सीधे जो अंडर आपको पता है, यानी आप धीरे धीरे आपको अगर पता चल जाता है कि क्या अंडर है, तो आप उसका पहला अक्षर या दो अक्षर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाएगा। तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं ब्लू कलर में हाईलाइट होने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा बाकी ऑप्शन सभी आपको नो करने हैं। यानी स्टार्टिंग बेसिक में अगर आप लेज़र्स बनाते हैं तो आपको केवल नेम और अंडर पे फोकस करना है, बाकी कोई भी ऑप्शन आता है तो हम नो कर देंगे, वो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको बताया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना होता है, जब भी कोई लेज़र बनाएंगे तो आप एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पहला बना लिया। दूसरा भी रवि के साथ ही लेन देन किया, लेकिन उसका रोल बदल गया, इस बार मैं रवि से रिसीव कर रहा हूँ, रवि को दे नहीं रहा हूँ। तो अगर आपने किसी व्यक्ति का नाम से लेज़र बना रखा है और उसी नाम से दोबारा बनाना चाहेंगे, तो यहाँ पर टेली में नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, यानी आप एक ही नाम से किसी व्यक्ति को दोबारा एनरोलमेंट नहीं कर सकते, भले उसने अलग अलग काम किए हैं। तो क्या करें, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कई तरह के लेन देन कर दें, कभी उसको देते हैं, कभी लेते हैं, कभी परचेज, कभी सेल,
तो आप उसका नाम थोड़ा सा चेंज करके डाल सकते हैं या नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे क्लास में दो स्टूडेंट होते हैं तो हम उसे नंबर वन नंबर टू कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने रवि टू कर लिया। तो जब भी सेम नाम से दो कोई बनाना हो तो आप उसे नंबरिंग करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनको मैंने सेट कर दिया, तो आप देख सकते हैं वैसे ही है। ऐसे ही रवि के साथ मैंने परचेस किया है। जब हम किसी से परचेस करते हैं सिंडिकेटर होता है, तो यहाँ पर मैं रवि थ्री नाम से एक लेज़र बना लेता हूँ। तीसरी बार मैंने रवि के साथ किया है, कोई भी नाम अपना नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसका अंडर सिंडिकेटर सेट कर देता हूँ। याद रखें, जब भी हम किसी व्यक्ति से परचेस करेंगे अकाउंटिंग में या टैली में, तो उसे हम अंडर हमेशा सिंडिकेटर लगाएंगे, वो हमारे लिए सिंडिकेटर होगा। ये उसका अंडर होता है। इसके अलावा जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम सेल लेता है, तो उसे हम संडी डिप्टर्स कहते हैं। यहाँ पर रवि फोर नाम से अकाउंट मैं बनाऊँगा और उसका अंडर मैं संडी डिप्टर्स लगा दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने संडी डिप्टर सेट कर दिया। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन मैं पहले जैसा डिफ़ॉल्ट रखूँगा, यानी उन सभी को नो कर दूँगा। उसके बाद अगर आप देखें कुछ आइटम के नाम आ गए हैं। अगर किसी भी आइटम का नाम डायरेक्टली आता है अभी शुरुआत में स्टार्टिंग बेसिक में, तो आप उस आइटम का नाम यहाँ पे लेज़र बना सकते हैं। बाद में मैं आपको इन्वेंट्री भी बताऊंगा कैसे इन्वेंट्री में सेटअप कर दें, लेकिन अभी आप बेसिकली अगर छोटी मोटी लेन देन है तो आप उस आइटम का नाम लेज़र में डाल देंगे और उसे आप करेंट एसेट भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे करेंट एसेट दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसे फिक्स एसेट भी सेट कर सकते हैं, यानी छोटे मोटे सामान हैं, यानी आप किसी सामान को थोड़े समय के लिए रखते हैं तो उसे करेंट एसेट, और लंबे समय के लिए रखते हैं तो आप फिक्स एसेट लगा सकते हैं। एसेट माने संपत्ति होती है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कंप्यूटर हो गया, वो भी कोई भी वस्तु कोई भी रियल अकाउंट में आता है तो आप एसेट्स लगा देंगे, ठीक है। कोई भी करेंट एसेट या फिक्स एसेट लगा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कैश का लेज़र आप बनाना चाहें तो दोस्तों कैश का लेज़र टैली में पहले ही बन जाता है। जब भी हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो कैश का लेज़र ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, तो हमें बनाना नहीं है। लेकिन अगर हम कैश का बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट पता है, इसका मतलब कैश का लेज़र बना हुआ है, तो आपको नहीं बनाना है। केवल याद रखेंगे कैश का अंडर कैश इन हैंड होता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बैंक का लेज़र बनाना होता है। बैंक में चाहे हम डिपॉजिट करें किसी भी बैंक में, चाहे विड्रॉ करें, चाहे जमा करें, चाहे निकालें, बैंक का लेज़र हमेशा बैंक अंडर हमेशा बैंक अकाउंट ही होगा। बैंक अकाउंट जब लगाएंगे तो यहाँ बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उससे संबंधित डिटेल आप फिलअप करना चाहें भरें। केवल मैं अभी नेम अंडर लगा रहा हूँ। इस प्रकार मैं अगर चाहूँ तो कोई भी नाम, जैसे मैंने SBI का बना लिया, तो कोई भी लेज़र अगर आप किसी बैंक का बनाते हैं तो आप केवल बैंक का नाम, बैंक का अंडर बैंक अकाउंट लगा देंगे, ठीक है। बैंक का कोई भी लेन देन होता है बैंक का लेज़र आप बैंक अकाउंट में लगाएंगे। इसी प्रकार अगर आप किसी टैक्स का लेज़र, अभी तो आपने टैक्स पढ़ा नहीं, लेकिन आगे चलकर अगर आप कोई भी टैक्स पढ़ेंगे तो टैक्स का लेज़र ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। और अगर आप परचेस का बनाएंगे तो परचेस का परचेस अकाउंट होता है, जैसे कि बताया, ठीक है। सेल का अगर आप करेंगे तो सेल का सेल्स अकाउंट होता है। तो जब भी कभी परचेस का लेज़र बनाएंगे, आप ख़रीदारी करेंगे तो परचेस अकाउंट और सेल का सेल्स अकाउंट लगा देंगे। इसके अलावा बाकी ऑप्शन मैं नो कर देना हूँ, जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो मैं उसे यस करूँगा। तो टैक्स का मैंने पहले बता दिया, तो यहाँ पे टैक्स का लेज़र, जैसे मैं वैट का एक लेज़र बना रहा हूँ, वैट वैल्यू एडेड टैक्स आगे मैं बताऊँगा आपको, तो उसका अंडर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगा देंगे। ऑटोमेटिकली आप जो लेज़र आप लगाना चाहते हैं उसका नाम लिस्ट में टाइप करेंगे तो वो बन जाएगा, वो उसका अंडर शो करेगा, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैपिटल, कैपिटल माने जमा पूंजी होती है। जितना भी धन हमने या जितना पैसा हमने जमा करके उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल नाम से कहीं बनाना हो तो आप कैपिटल का कैपिटल अकाउंट ही लगाएंगे, तो बहुत इजी है याद रखना बहुत से नाम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टाइप का कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी एक्सपेंस करते हैं, जब भी कोई खर्चा करेंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। जैसे मैंने खर्चा किया, मैंने किराया दिया, रेंट दिया, तो किराया एक तरह का मेरा खर्चा हुआ, मैंने रेंट दिया, तो उसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लगा दूंगा। कोई भी खर्चा हो तो याद रखें किसी भी जगह आप खर्चा करते हैं तो उसका नाम, उस खर्चे का नाम लिख देंगे और उसे डायरेक्ट एक्सपेंस लगा देंगे। इसी प्रकार अगर कमीशन हो गया, कमीशन जैसे मैंने प्राप्त किया, मुझे इनकम हुई, तो उसे डायरेक्ट इनकम भी लिख सकते हैं या इनडायरेक्ट इनकम भी लिख सकते हैं। जैसे भी आपको प्राप्त हुआ हो तो खर्चा होने पर कोई भी खर्चे का टर्म आएगा तो आप उसे डायरेक्ट एक्सपेंस लगाएंगे, कोई भी इनकम का टर्म आएगा उसे डायरेक्ट इनकम लगाएंगे। सारे लेज़र बनाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शन में जाके उन सभी के नाम यहाँ पर लिस्ट में दिखाता है। जैसे कि आपने देखा था कैश का लेज़र मैंने नहीं बनाया था, फिर भी ये बना हुआ है, तो कैश का अंडर ऑटोमेटिकली कैश इन हैंड सेट हो जाता है, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी टैली में आपको कैश का लेज़र नहीं बनाना है, ऑटोमेटिकली बना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के बने हुए। मान लिया मुझे चेंज करने की गलती हो गई लेज़र में,
तो मैं नाम चेंज भी या कोई भी डिटेल लेज़र की चेंज करना चाहूँगा तो इसमें भी मैं अल्टर कर सकता हूँ स्केप करके। मान लिया मुझे रवि का नाम चेंज करना है रवि टू का, तो मैं रवि टू पर क्लिक करूँगा अल्टर करके, और यहाँ से मैंने रवि कुमार नाम सेट कर दिया। मान लिया मुझे रवि का नाम या कोई भी डिटेल आपको चेंज करनी हो तो अल्टर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दें, लेज़र बनाने के लिए आपको क्रिएट करना है, केवल देखना है तो डिस्प्ले, और अगर चेंजेस करने हैं तो अल्टर करना है। तो इस तरीके से आपने समझा कि लेज़र और अंडर कैसे सेट किया जाता है, कैसे बेसिक सेटिंग्स करते हैं। तो आज के चैप्टर में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब